हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो वी विल डू अवर पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन दिस वीडियो ठीक है इस चैप्टर में हमारे चार पार्ट्स थे न्यूट्रिशन रिस्पायरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन न्यूट्रिशन एंड एंडेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है मेनली एक जगह से दूसरी जगह ज़े, किसी चीज को पहुँचाना ठीक है मूवमेंट कराना दैट इज ट्रांसपोर्टेशन तो देखो मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरी जगह किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होना वो क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम एंड लिम्फ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ठीक है हमारी बॉडी के अंदर दो लिक्विड होते हैं ब्लड एंड लिम्फ ठीक है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स कहते हैं कि हर सिस्टम के पास ना बच्चा तीन पार्ट्स होते हैं मतलब कि देखो जो एक तो पार्ट कौन सा होता है पंपिंग ऑर्गन कौन सा ऑर्गन पंप करता है ठीक है वो होता है हमारा हार्ट ठीक है एक होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो कि वेसल्स जो कि ट्रांसपोर्ट करती है एक होता है क्या लिक्विड है ठीक है फ्लूड या फिर लिक्विड जो भी है ब्लड और लिफ ठीक है इधर ब्लड की हमने वो बनाया फ्लोचार बनाया ब्लड के अंदर क्या क्या होता है ब्लड के अंदर हमारा एक प्लाज्मा होता है 55 परसेंट एंड ब्लड सेल्स होती है फोर्टी फाइव परसेंट ब्लड सेल्स कौन सी होती है रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ठीक है ठीक है रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटिलेट्स रेड ब्लड सेल्स क्या करती है ऑक्सीजन को कैरी करती है ठीक है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है माइक्रोब्स को किल करती है फिर हमारी बॉडी को बचाती है प्लेटिलेट्स क्या होते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लाज्मा का काम क्या करता है फूड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है इसके बाद देखो यहाँ पे है मेनली ब्लड वेसल्स का एक फ्लो चार्ट है ब्लड वेसल्स देखो हमारी बॉडी के अंदर तीन ब्लड वेसल्स होती हैं तीन टाइप की ठीक है एक तो होती है आर्टरीज एक होते हैं वेंस एक होती है कैपिलरीज ठीक है आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज आर्टरी के लिए क्या ट्रिक है ए फोर आर्टरी ए फोर अवे ये ब्लड को अवे लेके जाती है हर्ट से, हर्ट से अवे मतलब दूर कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हर्ट हर्ट से दूर लेके जाती है ठीक है यूजुअली कैरी अगर दूर ले जा रही है तो अच्छा वाला ब्लड लेके जाएगी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगी ऑक्सीजनड ब्लड लेके जाएगी ठीक है डीप सेटेड होती है और उनकी जो वॉल्स होती है मोटी और इलास्टिक होती है और उनके अगर वॉल्व नहीं होते ठीक है वॉल्स क्या होते हैं uh, मतलब कोई दो चीज़ें बीच में अगर कोई रोक लग गई दैट इज़ वॉल्व वॉल्व रोकेगा ठीक है वीन क्या होता है वी फोर वीन सॉरी आप ऐसे याद कर, कर सकते हो वरुण धवन ठीक है वरुण धवन की ट्रिक करके वी डी वी से वरुण डी से धवन ऐसे वी से वीन डी से डीऑक्सीजनेटेड वीन जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ठीक है और ये ब्लड को हर्ट से दूर लेके जाती है सुपरफिशियल होती है नॉन इलास्टिक होती है इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है बात करें कैपिलरीज की जब एक अल्ट्री और एक वीन जुड़ती है तो एक कैपिलरी बनती है ठीक है इस तरीके से इधर से आ रही है अल्ट्री इधर से आ रही वीन बनी है वीन बन गया कैपिलरी ठीक है वन सेल थिक वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज ये मेनली काम क्या करती है गैसियस एक्सचेंज का काम करती है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक वो है ह्यूमन हार्ट ठीक है ये जो टॉपिक है हमें पढ़ना है इधर मेन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ह्यूमन हार्ट ठीक है हर्ट क्या है हमारे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है पंप करने वाला ऑर्गन है पंपिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट कितना बड़ा होता है लगभग हमारी फिस्ट जितना होता है एक मुट्ठी जितना बड़ा होता है ठीक है इसको हम चार चैम्बर में डिवाइड करते हैं फर्स्ट चैंबर को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल या फिर एट्रियम लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट एट्रियम ठीक है ऑरिकल एट्रियम एक ही बात होती है और दूसरा होता है राइट right साइड वाला राइट right ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम ठीक है उनके नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल ठीक है चार चैंबर क्यों प्रेजेंट है ताकि हम ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रख सकें ठीक है अब देखो वर्किंग हम कैसे सीखेंगे वर्किंग सीखने के लिए पहले हम डायग्राम सीख लेते हैं उसके बाद वर्किंग आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे ये है हमारे हार्ट का डायग्राम कैसे बनाया देखो इधर डायग्राम बना के दिखाऊंगी मैं आप अच्छे से ध्यान से देखना आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम अभी तुरंत याद हो जाएगा कैसे बनाएंगे हम देखो पहले एक सिंपल सा ऐसे लेंगे ठीक है एंड देन ऐसे नीचे से हम थोड़ा वी शेप करते हुए इधर ऐसे जो हमने इधर बनाया सेम टू सेम इधर बनाएंगे समझ में आया अब हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे अब हम इसको डार्क करेंगे ठीक है डबल करेंगे सॉरी ठीक है डबल इधर तक तो हम इस तरीके से डबल करेंगे लेकिन इधर आते हम ऐसे डबल करेंगे ठीक है ऐसे इधर से जाएंगे सिंपली ऐसे फिर इधर से ऐसे वापस डबल करेंगे ठीक है ये तो हो गया हमारी मेन आउटलाइन हार्ट की अब हम बनाएंगे इधर वॉल्स ठीक है या फिर जो भी जिधर से भी ब्लड हमारा आता है जाता है एक होगा इधर एक होगा हमारा इधर ठीक है ठीक और फिर इसके बाद एक मतलब एक से दो सेपरेट होंगे वो होंगे हमारे इधर सिंपल कोई चीज़ कोई डाउट इजी है ना इसके बाद देखो यहाँ से इस तरीके से हम वॉल्व बंद करेंगे यहाँ से बाहर निकालते हुए एक हमें इधर आर्टरी बनाएंगे इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं ठीक है इसको भी हम दो में से सेपरेट करेंगे इस तरीके से ठीक है एंड देन सेम तरीके से हम इधर जाएंगे एक इधर से हम बाहर निकालेंगे ठीक है इधर हम क्या करेंगे थोड़ी सी ज़्यादा आर्टरीज बनाएंगे ठीक है थोड़ी सी ज्यादा क्यों क्योंकि इधर से हमें पूरी बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है ठीक है इस तरीके से Simply. और ये जो थो, आ, हमारे इसको हम डार्क कर देंगे ठीक ऐसे इसके अंदर हमें ब्लड को दिखाना है जो ब्लड हमारा डी है उसको हम दिखा सकते हैं ब्लू कलर से ठीक है इस कलर से इधर से और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है इधर से आएगा वो ऐसे एंड यहाँ से ठीक है ये हो गया हार्ट का डायग्राम, अब इसकी लेबलिंग देखो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल This is राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ठीक है और ये जो है जो इसको रोक रहे हैं वॉल्स, दोनों साइड है एक को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व एक को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व इधर है बाइकस्पिड वॉल्व V A L V E वॉल्व ठीक है इनर है ट्राइकस्पिड वॉल्व ठीक है एंड ये जो हमारी मेन आर्टरी थी इसको मेन आर्टरी या फिर ओटा बोलते हैं मेन आर्टरी ओटा ठीक है एंड ये है ये होती है हमारी पल्मोनरी वेन ये लंग्स से आते हैं ये ब्लड हमारा लंग्स से आ रहा है ठीक है ठीक है एंड ये जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स तक लेके जाता है ठीक है ये ऊपर जो था इसको बोलेंगे सुपीरियर विनाकेवा केवा ठीक है ये होता है इनफीरियर वीना केवा ठीक है केवा। ये जो साइड है इसको हम हमेशा लिखेंगे राइट साइड ठीक है एंड ये जो साइड है इसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड ये हो गया पूरा हार्ट का डाइग्राम अब इसकी वर्किंग देखते हैं वर्क कैसे करता है ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा ये जो दो थी ठीक है ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीनाकेवा ब्रिंक्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं ये हमारे पूरी बॉडी से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको कलेक्ट करते हैं फिर इस हार्ट में लेके आते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा अब क्या आता है ब्लड हमारा इधर आता है राइट right एट्रियम के अंदर ठीक है ये भी राइट right एट्रियम से ही जुड़ा होता है राइट right एट्रियम में ब्लड आता है हमारा अब क्या करता है राइट right, ये जो ऑरिकल है कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड कहाँ जाता है राइट वेंट्रिकल में जाता है इधर से कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पार्ट एंड ब्लड इसके अंदर चला जाता है ठीक है राइट वेंट्रिकल के अंदर अब क्या होगा राइट right वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड हमारा इसके अंदर जाएगा और फिर कहाँ जाएगा हमारे लंग्स के पास जाएगा इसके पहले इसमें आया बॉडी से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इसमें आया यहाँ से इधर चला गया ठीक है लंग्स के पास चला गया ठीक है अब क्या होगा लंग्स का काम क्या होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कन्वर्ट कर देती है ठीक है लंग्स कन्वर्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है अब क्या होता है ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब हम लंग्स के पास तो छोड़ नहीं सकते इसको इसको हम वापस हर्ट के पास लेके आएंगे और वो कौन लेके आता है पलमोनरी वेन लेके आती है यहाँ से यहाँ से पूरा हर्ट के पास आ, से सॉरी लंग्स के पास से पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर से आता है ठीक है फ्रॉम लंग्स अब क्या होगा लेफ्ट ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड इधर जाएगा ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड मोस्ट टू लेफ्ट वेंट्रिकल अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो मेन अर्ट्री है जो ओटा है ये हमारी पूरी बॉडी का ऑक्सीजन ब्लड पहुंचा देगी ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड मेन अर्ट्री या फिर ओटा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स इस तरीके से हमारे हर्ट के काम होती है कैसे होता है देखो दोबारा से देखो सुपीरियर वेनाकेवा एंड इन्फीरियर वेनाकेवा ब्रिंक्स डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्राम ऑल ओवर द बॉडी एंड देन पास इट टू द राइट एट्रियम एंड देन लेफ्ट एट्रेय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड पास ओवर टू द राइट वेंट्रिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड मूव टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स के पास जाता है एंड द लंग्स कन्वर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एटरियम ठीक है

ठीक है लंग्स और हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन था उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी के बीच का जो सर्कुलेशन था उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी और सिस्टमेटिक दोनों सर्कुलेशन को मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ठीक है डबल सर्कुलेशन इज़ नेसेसरी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स एज दे रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर मेंटेनिंग दर बॉडी टेम्परेचर मतलब जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डबल सर्कुलेशन ज़रूरी होता है क्यों क्योंकि उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ठीक है डबल सर्कुलेशन का मेन काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखती है ठीक है अगर डबल सर्कुलेशन नहीं होगा सिंगल सर्कुलेशन होगा तो ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएंगे जो कि फिशेज में होता है ठीक है इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस दे आर हैविंग थ्री चैम्बर हर्ट ठीक है रेप्टाइल्स हो गए एम्फीबियंस हो गए इनके अंदर तीन चैम्बर का हर्ट होता है इसलिए ऑक्सीजनेटेड एंड डी ब्लड मिक्स हो जाता है ठीक है इसके बाद ये हमारा डायग्राम है डबल सर्कुलेशन का इधर देखो डबल सर्कुलेशन का हम डायग्राम बनाएंगे डबल सर्कुलेशन के लिए हमें सिंपली क्या करना है एक बनाना है स्क्वायर ठीक है इसको हमें चार चैम्बर में डिवाइड कर देना है ऐसे ये हो गए हमारे वॉल्स ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है अब देखो यहाँ से हमारा ब्लड जाएगा लंग्स के पास ठीक है इधर से हमें पता है ना इधर तो ब्लड वो लेके आए थे सुपीरियर इन्फीरियर वेना के बाद इधर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया राइट वेंट्रिकल के पास गया राइट वेंट्रिकल कहाँ भेज भेजती है लंग्स के पास तो इधर से हमारा ब्लड गया लंग्स के पास ठीक है एल यू एन जी एस लंग्स ठीक है लंग्स के पास हमारा ब्लड पहुंच गया लंग्स के पास तो पहुंचा है blood. Blood हमारा डी ब्लड ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आएगा लेफ़्ट एट्रियम में ही आएगा ठीक है लेफ़्ट एट्रियम में पहुंच गया इसके बाद ये जो इधर से कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ पहुँचेगा और यहाँ से ब्लड हमारी पूरी बॉडी के पास जाएगा इधर से ब्लड आया कहाँ पहुँच गया पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँच गया बॉडी पार्ट ठीक है अब हमारे बॉडी पार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको सुपीरियर और इन्फीरियर केवा कहाँ पे लेके जाएंगे राइट right एट्रियम में लेके जाएंगे ठीक है राइट एट्रियम समझ आ रहा है ना? यहाँ से ब्लड गया है लंग्स के पास और इधर से ब्लड गया है राइट right एट्रियम के पास अब हम इनका नाम देते हैं ये है हमारा सुपीरियर एंड इन्फीरियर केवा ठीक है समझ आया ना कोई डाउट हर्ट का पूरा काम अच्छे से समझ आना चाहिए ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी ये वेन आपको अच्छे से याद कर लेनी है जो आ, जो आर्टरी हमारा ब्लड लंग्स तक लेकर जाती है वो है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स से हर्ट में लेकर आती है वो है हमारी पल्मोनरी वेन ठीक है पल्मोनरी वेन इधर और यहाँ से हमारी पूरी बॉडी में जाता है ये होती है हमारी मेन आर्टरी ठीक है अब देखो या फिर ओटा एक चीज़ हमने क्या देखी थी जो हर्ट से लंग के बीच में सर्कुलेशन होता है हर्ट टू लंग दैट इज़ एज पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन सर्कुलेशन ठीक है और जो इधर हर्ट से बॉडी पार्ट के बीच में होता है वो होता है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सर्कुलेशन एंड दिस पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टुगेदर मेक्स डबल सर्कुलेशन ये हमारा डायग्राम किसका है डबल सर्कुलेशन अगर कोई आपसे हर्ट का डायग्राम पूछे तो आप ये नहीं बनाओगे ये डायग्राम हमारा डबल सर्कुलेशन का है डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन एंड हर्ट दोनों का डायग्राम अलग है याद रखना इस बात को दोनों में मतलब सेम ही है दोनों का डायग्राम पर अलग है ठीक ये हमारे हर्ट का डायग्राम है या हमारे डबल सर्कुलेशन का डायग्राम आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है आप देखो इधर एक ट्रिक है आपके पास हर्ट की एक ट्रिक है पी ए आर ए एम परम टू थ्री थ्री फोर फोर बस आपको कोड याद रखना है टू थर्टी थर्टी फोर मतलब एम्फीबियंस रेप्टाइल्स ठीक है ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं एंड जो एनिमल्स एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं मतलब एक और चीज़ याद रख सकते हो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स कंटेन थ्री चैम्बर्ड हर्ट एंड एनिमल्स एंड एमामल्स कंटेन फोर चैम्बर्ड हर्ट फिशर्स के पास सिर्फ दो चैम्बर्ड का हर्ट होता है ठीक है उनका देखो उनका डायग्राम इस तरीके से है यू कैसे होता है देखो इनका हर्ट एकदम ऐसे होता है मेनली ये है उनका हर्ट इधर एच ई ए आर टी हर्ट ठीक है इसके अंदर सिर्फ इधर औरकल है इधर वेंट्रिकल है ठीक है इधर से ब्लड गया हमारे गिल्स के पास ठीक है इधर क्या हुआ हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ एंड देन यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स के पास गया ठीक है यहाँ पे यहाँ बॉडी पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन, वो हो गया कलेक्ट हुआ एंड देन औरकल में चला गया ख़त्म ये होता है फ़िश का सिंगल सर्कुलेशन का डायग्राम है ठीक है फिशज के सिंगल सर्कुलेशन का इसके बाद देखो हमारा अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है देखो ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल देखो ओरिकल वेंट्रिकल वेंट्रिकल रिमेंबर दिस पॉइंट औरल की वॉल थिन होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल ओरिकल की वॉल पतली होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल मैंने बोला ना इधर सिर्फ आपको इतना लेके आना है एंड की इधर आपको मोटा लेके जाना है ठीक है ऑरिकल पतला होता है ये मोटा होता है समझ में आया क्यों क्योंकि देखो एज ऑरिकल्स हैव टू सप्लाई ब्लड टू वेंट्रिकल्स ओनली क्योंकि ऑरिकल का काम क्या है मेनली बस कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल के पास पहुँचा दिया खत्म उसका काम तो लेकिन वेंट्रिकल का काम क्या होता है उसको ब्लड यहाँ तक पहुँचाना है लंग्स तक पहुँचाना है इधर भी ऑरिकल का काम क्या है कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल पहुँचा दिया काम ख़त्म इधर वेंट्रिकल का काम कितना बड़ा है इसको पूरी बॉडी को पार्ट बॉडी को ब्लड पहुँचाना है ठीक है अब देखो एज औरल हैव टू सप्लाई ब्लड टू वेंट्रिकल ओनली वाइल वेंट्रिकल हैव टू सप्लाई बॉडी टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग लंग्स ये लाइन आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए क्या था औरिकल का, का काम क्या था ब्लड सिर्फ इधर पहुंचाना, ब्लड सिर्फ इधर पहुंचाना, इधर से लंग्स में जा रहा है बॉडी पार्ट्स में जा रहा है इधर से इधर का काम ज़्यादा है ना इसलिए यहाँ की जो हमारी जो ये जो लाइनिंग होती है ये थिक होती है ठीक है वाल्स आर प्रेजेंटेड प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ब्लड ये बहुत ही इम्पॉटेंट पॉइंट है वॉल्स का फंक्शन क्या होता है वॉल्स का फंक्शन होता है कि ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो मीन्स ब्लड जो है वापस से इधर देखो अगर इधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ इधर पहुंच गया अगर ये वॉल्स बंद नहीं होते तो ब्लड वापस पहुंच जाता ना इधर ठीक है बैकवर्ड फ्लो और में नहीं हो पाए इसलिए यहाँ पे वॉल्स होते हैं इधर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या होता है कोई भी वे, जो वेसल्स होती है हमारी नर्व्स होती है उधर जो प्रेशर एक्जोर्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर फोर्स दैट ब्लड एक्जोर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल वेसल की मतलब नर्व की कोई भी वॉल पे अगर कोई प्रेशर लग रहा है तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर ठीक है प्रेशर इज़ मच हायर इन अर्ट्री दैन इन विन्स आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वीन्स ठीक है आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वेंस प्रेशर इन साइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंटिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर हमें पता है हमारी जो आर्टरीज़ है एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है रिलैक्स होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे होती रहती है जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल सिस्टोल ठीक है याद रखने वर्ड कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल एंड देन uh, और जो दूसरा जो होता है रिलैक्सेशन उसको डायस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल रिलैक्सेशन डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल रिलैक्सेशन डायस्टोलोल रिमेंबर दिस पॉइंट ठीक है कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड जो डायस्टोलोल के टाइम पे रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर ठीक है सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल कितना होता है वन ट्वेंटी एम एम एच जी एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर वो मिनिमम सॉरी एवरेज होता है एट्टी एम एम एच जी ठीक है अगर कहीं पे इससे ज़्यादा आ रहा है वन ट्वेंटी से ज़्यादा तो उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है अगर एटी से लो आ रहा है तो उसको लो बीपी की प्रॉब्लम है हाई बी हाँ, ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज भी बोलते हैं ठीक है विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू तो ब्लड फ्लो मतलब ये एक रीज़न दिया हुआ है कि क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर ठीक है दिस इज नॉन मच दैट मच इंपॉर्टेंट इसकी वजह से क्या होता है जो मैं आल्ट्री होती है मिली फट जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है ब्लड प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है जिसको बोलते हैं सिम्फ गैमिनोमीटर रिमेंबर दिस पॉइंट सिम्फ गैमिनोमीटर से हम बीपी पीने को नापते हैं जो डॉक्टर्स लेके आते हैं ना हाथ में इधर बांधते हैं ठीक है ठीके? उसको बोलते हैं ऊपर हमारे इधर अपर हैंड में बांधते हैं ना कुछ और देन उसको कुछ कुछ प्रेस करते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंफ गैमिनोमीटर ठीक है इसके बाद हमारा ये जो है डायग्राम है ये है हमारा मेनली लिम्फेटिक लिंफ, सिस्टम का डायग्राम है पहले हम पढ़ लेते हैं देन इसको समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम अब हम तक हाँ देखो हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाना था एक लिम्फ ट्रांसपोर्ट करवाना है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ेंगे लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है देखो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम एक अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर ही अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी इसके अंदर फॉलोइंग कुछ कॉम्पोनेट्स है लिम्फ लिफ कैपलरीज लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स ठीक है अब हम पढ़ते हैं होते क्या है? इनको डिटेल में पढ़ते हैं लिम्फ देखो अ फ्लूड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर एंड कैपलरीज एंड स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपलरी मतलब देखो एक फ्लूड होता है क्यों देखो लिम्फ एक एक्चुअल फ्लूड नहीं है लिम्फ बनता है कब बनता है जब हाई प्रेशर होता है और जब कैपलरीज इस छोटे छोटे जो पोल्स होते हैं कैपिलरीज के अंदर उनकी वजह से जो फ्लूड बनता है दैट इज़ नोन एज लिम्फ इसके अंदर प्लाज्मा होता है प्रोटीन्स होते हैं डब्ल्यू बी सी होते हैं इसको टिश्यू फ्लूड भी बोलते हैं ठीक है थेके? अब बात आती है लिम्फ कैपलरीज की लिम्फ कैपलरी क्या होता है लिम्फ फ्लो इन टू लिम्फ कैपलरीज लिम्फ फ्लो कहाँ पर होता है कहाँ पर बहता है लिम्फ कैपलरीज के अंदर फ्लो होता है लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं बहुत सारी कैपलरीज ज्वाइन होकर एक लिम्फ वेसल बनाती है ठीक है एंड लिम्फ नोड्स क्या होते हैं ये लिम्फ नोड का काम होता है लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करना है लिफोसाइट क्या होता है लिम्फ डब... के डब्ल्यू बी सी उनको बोलते हैं लिम्फोसाइट लिम्फ का काम क्या होता है देखो लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्ज्ज़ॉर्ब फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा डाइजेस्टेड और जो एब्जॉर्ब फैट है उनको कलेक्ट करता है लाता है उसके अंदर लिम्फोसाइड भी होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल कर देते हैं इट कैरी फूड हॉर्मोन्स टू द टिश्यू एंड कैरी बैक वेस्ट फ्रॉम टिश्यू मतलब क्या होता है फूड को कैरी करता है हॉर्मोन्स को कैरी करता है टिश्यू तक तो लाता है एंड देन वापस जो वेस्ट है उन सबको टिश्यू से हटाता है ठीक है टिशू से वेस्ट वगैरह वे लेता है प्लाज्मा इज सिमिलर टू लिम्फ बट लिम्फ इज कलरलेस प्लाज्मा लिम्फ के सिमिलर है लेकिन लिम्फ कलरलेस होता है और उसके अंदर प्रोटीन भी कम होते हैं ठीक है ठेके? देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्लांट्स प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं देखो तीन फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्सिबल रूट प्रेशर कोहेजिव एंड एडेसिव फोर्स एक होता है ट्रांसपिटेशनल पुल तीन चीजें पढ़ेंगे हम इसके अंदर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिशू ठीक है जैलम टिश्यू के कॉम्पोनेट्स क्या क्या है नाइन्थ क्लास में हमने पढ़े ना पेरेंट काम ट्रैकेट्स फाइबर्स एंड वेसल्स ठीक है वेसल्स एंड ट्रैकेट्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स मतलब वेसल्स और ट्रैकेट्स जो है कॉन्टीन्यूस सिस्टम बनाता है पानी कॉन्टिन्यू वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता रहता है और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वाटर एंड मिनरल्स के लिए वो है हमारा फर्स्ट रूट प्रेशर कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स ट्रांसपेरेशनल पुल ठीक है रूट प्रेशर क्या होता है देखो रूट प्रेशर आपको भी अच्छे से समझ में आएगा ये देखो एक लाइन है इधर है हमारी सॉइल इधर है हमारे रूट सॉइल से रूट में जा रहे हैं मिनरल्स मिनरल्स मूव इनसाइड द रूट ठीक है रूट के अंदर आए मिनरल्स और इस ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ आए इस ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से एक चीज होती है वो क्या होती है हमारी वाटर की कंसेंट्रेशन में कुछ चेंज आता है ठीक है कुछ चेंज आता है सॉइल के अंदर पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी इधर पानी की कंसेंट्रेशन कम थी जैसे ही इधर चला गया तो कुछ चेंज आया इसके अंदर ठीक है ड्यू टू ऑसमोसिस ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है हमारा पानी एब्जॉर्ब भी हो जाता है और किस प्रेशर की वजह से होता है ये सब कुछ कौन सा प्रेशर लगता है वो प्रेशर होता है हमारा रूट प्रेशर ठीक है देखो सेल्स इन कॉन्टैक्ट अभी इसी को एक्सप्लेन किया गया है सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉयल एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम सॉयल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी समझाया जो सेल्स हमारे रूट की सॉयल के साथ कॉन्टैक्ट में है वहाँ से मिनरल्स नहीं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसकी वजह से क्या होता है वाटर की कंसेंट्रेशन में एक डिफ्रेंस आता है सॉयल और रूट के बीच में ठीक है दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर बिटवीन रूट एंड सॉइल इसलिए पानी क्या होता है सॉइल से रूट में चला जाता है ठीक है जिस और इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर ठीक है दिस रिजल्ट इन क्रिएटिंग द कॉलम ऑफ वाटर दट मूवज इन अपवर डायरेक्शन बट इट्स इनसफिशियन टू लार्जर हाइट मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक पालने का कॉलम क्रिएट होता है जो कि मतलब एक एक तरीके से एक लाइन क्रिएट होती है जो कि अपवर डायरेक्शन में वो मूव कर रही है ऊपर मूव कर रही है लेकिन ये भी एक सर्टेन हाइट तक होता है ऐसे नहीं होता कि थोड़ा सा मतलब अगर रूट प्रेशर भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरे एकदम लीव तक पहुँचा सके थोड़ा सा कुछ लिमिट होती है उसकी ठीक है लार्जर हाइट में वो इनसफिशेंट होता है समझ आया आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा रूट प्रेशर में नेक्स्ट है हमारे कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स ये पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हुए आपने जो फेविकॉल देखी होगी फेविकॉल उस पर कभी ध्यान से देखा होगा तो होता है उस पर लिखा होता है वाइट एडहेसिव एडहेसिव होता है चिपकना कोहेसिव एंड एडेसिव दोनों फोर्सेज का काम होता है चिपकाना ठीक है अब देखो दो वाटर के अगर पार्टिकल्स चिपक रहे हैं दो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स ठीक है लेकिन एक वाटर पार्टिकल है एक जाइलम की वॉल है दोनों अगर चिपक रहे हैं वाटर पार्टिकल जाइलम अगर ये चिपक रहे हैं तो इसके बीच में कौन सा फोर्स होगा फोर्स मतलब सेम चीज चिपक रही है कोहेसिव अलग अलग चीज चिपक रही है एडहेसिव फेविकोल से फेविकोल तो नहीं चिपकता ना फेविकोल से हम पेज चिपकाते हैं ठीक है एक चीज फेविकोल है एक चीज पेज है एडेसिव ठीक है इसी माना आता है हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल ठीक है ठीक है स्टार्ट करते हैं हम हमारा ट्रांसपीरेशन पुल ट्रांसपिरीशनल पुल हेल्प्स इन एब्जॉर््पन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉयल एंड आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट ट्रांसपीरेशन क्या होता है मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है मिनरल्स में हेल्प करता है सॉइल से ठीक है और किस में हेल्प करता है कि प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन रहे ठीक है थीके? दूसरा पॉइंट क्या है ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स मतलब जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वहाँ से जो पानी का लॉस होता है इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपिरीशन एज सून एज वाटर इज लॉज फ्रॉम द लीव इट रिजल्ट इन क्रिएटिंग अ सक्शन दैट पुल द वाटर इन जयलम मतलब जैसे ही लीव से पानी निकलता है तो एक खिंचाव पैदा होता है ठीक है एक सक्शन क्रिएट होता है जो कि क्या करता है जाइलम के अंदर से पानी को खींच लाता है ठीक है दिन के टाइम में ट्रांसपीरेशनल पुल बेसिकली क्या काम करता है ट्रांसपीरेशन पुल इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दिन के टाइम पे मेनली पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं रात के टाइम में इफ़ेक्ट ऑफ रूट प्रेशर ज़्यादा काम करता है ठीक है इस तरीके से हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ड्यूरिंग ट्रांसप्रेशन इस तरीके से होता है यहाँ से पानी आया 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 लीव्स तक पहुँचा एंड देन ट्रांसपरेशन हो जाता है निकल जाता है पानी ठीक है अब है हमारा लास्ट टॉपिक इधर का ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट अब तक हमने सिर्फ पानी का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा अब हम पढ़ेंगे फूड का या फिर दूसरी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन फूड कैसे होता है थ्रू फ्लॉम टिश्यू होता है सबको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थोड़ा सा अलग है देखो पानी से ठीक है क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है यूजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है इसको हम कैसे करेंगे मेनली ए टी पी मॉलिकूल्स यूज़ करके ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज सुक्रोज इसमें ट्रांसपोर्ट होता है जिसकी वजह से क्या होगा हमारा ओस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा एंड देन पानी का मूवमेंट भी होता है इससे पानी भी मूव करता है द प्रेशर मूव सब्सटेंस टू टिश्यू हैविंग लो प्रेशर इससे प्रेशर से क्या होता है ऐसे जो इस प्रेशर की हेल्प से चीजें हैं टिश्यू तक पहुँच जाती हैं ठीक है ठेके? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक प्लेस फ्राम द शो वेर इट इज स्टोर टू द सिंक वेर इट इज यूटिलाइज मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है किसके थ्रू होता है शोर्स के थ्रू होता है शोर्स में क्या होता है uh, एक होता है शोरस एक होता है सिंक शोरस के अंदर स्टोर होता है सिंक के अंदर यूटिलाइज होता है ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक प्लेस फ्रॉम द इट इज स्टोर्ड ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सोर्स में होता है सोर्स से स्टार्ट होता है जहाँ पे खाना स्टोर रहता है और यहाँ से लेकर सिंक तक होता है सिंक में क्या होता है वेराटीज़ यूज यूटिलाइज होता है ठीक है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स यूज़ होती हैं फ्लोइम ट्रांसपोर्ट सुक्रोज अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस फ्लोएम ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है नॉर्मली अगर हम देखें नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे शोरस क्या होता है लीव्स लीव्स में खाना स्टोर रहता है सिंक क्या होता है अदर पार्ट्स मतलब लीव्स से हमें अदर पार्ट्स में खाना पहुंचाना है लेकिन अगर स्प्रिंग सीजन की अगर हम बात करें तो शोरस हमारे अदर प्लांट्स अदर पार्ट्स होते हैं ठीक है एट द सिंक हमारा बर्ड्स होता है इधर पार्ट्स आएगा ठीक है पार्ट्स करना है इधर अंडर सिंक होते हैं हमारे बर्ड्स होते हैं यूज फॉर एनर्जी टू ग्रो बर्ड्स को भी तो एनर्जी चाहिए अब देखो इधर है हमारी एक टेप एक्सेस इधर से सिर्फ एक फ्लो चार्ट जैसा है आप इसको अच्छे से समझ लो देखो ये है इधर हमारा सोर्स सोर्स इधर है एक सिंक हमारा सोर्स से हमें सिंक में पहुंचाना है ठीक है सोर्स से हमें सिंक में पहुंचाना है खाना पानी जो भी है सब पहुंचाना है ठीक है इधर हम बनाएंगे हमारा जाइलम टिशू कौन सा टिशू जाइलम टिशू ये है हमारा सुक्रोज जो कि हमें पहुंचाना है ठीक है सोर्स से और जो जो पानी इस पानी कहाँ से लिया हमने जाइलम से लिया जाइलम ही तो पानी ट्रांसपोर्ट करता है नीचे पहुँचाते जा रहे हैं ठीक है इधर क्या होता है हमारा मेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोर्स में मेन काम क्या होता है फ़ूड इज़ स्टोर्ड फूड यहाँ पे स्टोर रहता है एंड यहाँ पे फूड हमारा यूटिलाइज होता है फूड इज़ यूटिलाइज्ड समझ आया ये एरिया है हमारा लो प्रेशर का लो प्रेशर एरिया ठीक है इधर हमारा जाइलम है इधर हमारा फ्लोएम है ठीक है और यहाँ पे हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्रिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फिनिश ठीक है इस तरीके से हमारा डायग्राम था मेनली फिनिश हुआ ये है ये डायग्राम किसका आपको पता है ये डायग्राम है हमारे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का ठीक है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड या फिर फूड इन प्लांट लोकेशन इन सॉरी ऑफ फूड आई होप आपको समझ आया होगा पूरा ट्रांसपोर्टेशन ठीक है अब इस चैप्टर में मेनली हमारा पार्ट बचता क्या है मेनली बचता है हमारा एक्सप्रेशन आट एनसीआर टी कुछ क्वेश्चन रेस्पायरेशन टॉपिक तक तो हम एनसीआर टी क्वेश्चन कर चुके हैं हमें सिर्फ एनसीआर टी क्वेश्चन करना है ट्रांसपोर्टेशन के एक्सक्रीशन के ठीक है एक्सक्रीशन में मेनली एक्सक्रीशन आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है एक्सक्रीशन छोटा ही एक टॉपिक है बस चार पांच पेजेस का एक टॉपिक है जिसमें मेन आपको किडनी पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है एंड देन नेफ्रॉन का कुछ पढ़ना है थोड़ा सा बस ठीक है एंड देन वी विल डू आवर एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है सो टिल देन थैंक यू वेरी मच इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट थैंक यू